Hello, students. Welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. I am Purnama, PhD Computer Science in Kendra Vidyale Sangathan. And as we were discussing about functions uh, so far in the same sequence, today we are going to discuss how to pass various data types objects to a function and how mutability and immutability of these objects affect function execution. Okay? so let's start अब हम python पे ही चलते हैं सीधा here i have already made a program now see uh, i have four functions here demo func my func demo tuple demo dictionary you can have as many functions in a program as you want लेकिन जितने भी programs हैं वो सब के सब main code block से पहले आएंगी ठीक है जितने भी functions हैं वो main code block से पहले आएंगी एंड देन हम मेन कोड ब्लॉक में अब देखिए मैंने एक लिस्ट डिफाइन की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक स्ट्रिंग लिया है पैथन फंक्शंस टी एक टप्पल लिया है कैपिटल टी दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव और एक डिक्शनरी ली है डी जिसमें मैंने कंट्री और उनके प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी कहो आप उनके सबके नाम लिखे हैं राइट देन आई हैव कॉल्ड दीज फंक्शंस अलॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट लिस्ट लाइक डेमो फंक्शन में मैंने लिस्ट पास की है माई फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग पास की है डेमो टप्पल में मैंने टप्पल पास किया है एंड डेमो डिक्शनरी में मैंने डिक्शनरी पास की है नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एल इज़ योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड लिस्ट इज़ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगी इन ऑब्जेक्ट्स को मतलब जब मैं एज आर्ग्यूमेंट पास करूंगी तो आई डू नॉट नीड टू यूज एनी स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट्स नथिंग आई जस्ट राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भी मैं सिर्फ उसका नाम लिखूंगी और कुछ भी मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड देन जैसे मैं नॉर्मली इन एलिमेंट्स को इन ऑब्जेक्ट्स को ऑपरेट करती हूँ इन इनसाइड माई मेन ब्लॉक उसी तरीके से मैं इनको एक्सेस कर सकती हूँ ऑपरेट कर सकती हूँ इन माई फंक्शंस एज वेल राइट जैसे अब यहाँ पर देखो मैंने डेमो फंक्शन में लिस्ट पास की है एंड लिस्ट इज़ रिसीव्ड विद एल नेम इन फंक्शन डेफिनेशन फिर फिर मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया है यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को तो प्रिंट uh, करवाने की बजाय मैं कोई और ऑपरेशन भी करना चाहती कुछ इसमें लाइक like, चेंजेस करना चाहती तो वो भी मैं कर सकती थी आई कैन डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल विद लिस्ट इन साइड मेन कोड ब्लॉक इन फंक्शन एज वेल राइट सिमिलरली स्ट्रिंग का भी है सिमिलरली टपल्स का भी है एंड द सेम वे डिक्शनरीज आर देर यहाँ पर देखो अब मैंने स्ट्रिंग को पास uh, किया और स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को फिर मैं टू से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रही हूँ एंड में मैंने कुछ भी नहीं लिया है नॉट इवन ब्लैंक स्पेस राइट right? सिर्फ मैंने सिंपल ब्रैकेट्स लिए हैं तो बेसिकली मेरा हो क्या रहा है कि जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ही रेप्लीकेट होगी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट मतलब पी दो बार आ जाएगा वाई दो बार आ जाएगा देन टी एच ओ एन एन सो ऑन ठीक है फिर ये ब्लैंक स्पेस भी आपका दो बार आएगा और फिर फंक्शंस भी उसी तरीके से रेप्लीकेट हो जाएगा ओके okay? देन फिर मैंने टपल uh, को इस फंक्शन में ऑपरेट किया है जहाँ पर मैं टपल को स्कैन कर रही हूँ एंड उसको उसके ईच एलिमेंट को क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं सबको मैं टू से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रही हूँ एंड मैंने ले लिया है ये एम परसेंट वाला साइन जो है एंड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और उससे पहले मैंने टपल को सिंपल भी प्रिंट किया है सेम वे फिर मैंने डिक्शनरी को इस फंक्शन में प्रिंट करवा रखा है कुछ भी ऐसा खास इसमें समझाने वाला नहीं है सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब मैं इन एलिमेंट्स को इन ऑब्जेक्ट्स को मतलब लिस्ट स्ट्रिंग टपल्स एंड डिक्शनरीज या कोई भी जो आपका मेमोरी ऑब्जेक्ट है जब भी आप उसको फंक्शन में पास कर रहे हैं तो जब आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में लिखेंगे उस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का नेम लिखेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी आपने नाम लिखा है फिर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप वही नाम यूज़ करेंगे राइट right? और जिस तरीके से मैं उन डेटा uh, ऑब्जेक्ट्स को फिर अपने मेन कोड ब्लॉक में ऑपरेट कर रही हूँ द सेम वे आई कैन एक्सेस देम एंड ऑपरेट देम इन साइड माई फंक्शंस ऑल्सो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट जो मैंने पास uh, की थी वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई है ठीक है फिर मैंने स्ट्रिंग पास uh, की और स्ट्रिंग ये देखो अब आपकी स्ट्रिंग रेप्लीकेट हो गई है करेक्टर बाय करेक्टर राइट और फिर टप्पल पास किया फंक्शन में वो टप्पल पहले प्रिंट हो गया जब मैंने टी करके प्रिंट किया और जब मैं उसको टू से मल्टीप्लाई करके हर वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ तो ये टू एंड फोर एंड सिक्स एंड एट एंड टेन एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो गया डिक्शनरी जो मैं एक एक एलिमेंट प्रिंट करवा रही थी कि की और फिर कॉलॉन और फिर उसका वैल्यू एलिमेंट तो वो उस तरीके से प्रिंट हो गई है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये अब ये मैंने अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं इसी को मैं अगर एक फंक्शन में करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है राइट right? करके देख लेते हैं अब यहां पर मेरे को आर्ग्यूमेंट लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी मैं लिस्ट भी ले रही हूँ स्ट्रिंग भी ले रही हूँ एंड टपल भी ले रही हूँ और डिक्शनरी भी ले रही हूँ है ना? तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए यहाँ पे, और फिर जब मैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है मेरी वहां पर भी मेरे को यही चेंजेस करने हैं सॉरी नाम मैं ही भूल जाती हूँ ठीक है तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा ये देखो वही आउटपुट मिल रहा है तो दिस इज़ हाउ वी कैन पास डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट्स अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ इंटीजर वैल्यू या कोई और वैल्यू नहीं पास कर सकती कुछ भी पास कर सकती हूँ लेट्स से मैंने यहाँ पे 45 पास कर दिया ठीक है और यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट uh, भी ले रखा है एन और मैं उसको यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ कुछ भी कुछ भी मैं कर सकती हूँ ठीक है uh, या यूँ कह लो कि अब जहाँ पे मैं ये टू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मैं एन ले लेती हूँ अभी फोर्टी फाइव वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे चलो टपल तो मेरा वन टू थ्री फोर फाइव ही है फिफ्टीन कर लेते हैं ओके तो अब यहाँ पे देखो मेरा ये फिफ्टीन से मल्टीप्लाई हो गया है तो आई कैन पास एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स टू अ फंक्शन एंड दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटेड राइट अब बात करते हैं हम म्यूटेबिलिटी की कि म्यूटेबलिटी और इम्यूटेबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है या किस तरीके से अफेक्ट होती है वेन फंक्शंस आर यूज राइट तो यहाँ पे देखो मैंने एक डेमो फंक्शन लिया है जिसमें मैं i एक इंटीजर ले रही हूँ और l एक मैं लिस्ट ले रही हूँ ठीक है दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं मैंने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लिया एक लिस्ट आर्ग्यूमेंट लिया है इंटीजर यू वेरी वेल नो इज़ इम्यूटेबल और लिस्ट जो है एल इज़ म्यूटेबल ठीक है अब मैं क्या कर रही हूँ इंटीजर आर्ग्यूमेंट रिसीव्ड i प्रिंट करवाया फिर मैंने इंटीजर आर्ग्यूमेंट को चेंज कर दिया मतलब आई की वैल्यू को मैंने अपडेट किया है यहाँ पे राइट right? और फिर uh, मैंने उसको फिर से प्रिंट करवाया कि वो मॉडिफाई होके कैसे क्या बन गई है देन फिर मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया फिर लिस्ट को अपडेट किया है मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट के हर एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई किया है राइट और फिर मैंने मॉडिफाइड लिस्ट को प्रिंट करवाया इनसाइड द फंक्शन अब मैं फंक्शन से रिटर्न करके मतलब फंक्शन से बाहर निकल के मैं जो मेरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स थी नम और एल एस टी इन दोनों को भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के बाद प्रिंट करवा रही हूँ राइट तो देखो मेरे को आउटपुट क्या मिला मैंने फ़ाइव पास किया था इंटीजर इंटीजर आर्ग्यूमेंट रिसिव फाइव इंटीजर मॉडिफाइड इनसाइड द फंक्शन टू प्लस फाइव कर दिया था तो वो टेन हो गया है राइट देन लिस्ट आर्ग्यूमेंट रिसीव वन टू थ्री लिस्ट मॉडिफाइड इनसाइड फंक्शन मैंने टू से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को तो वो हो गया टू फोर सिक्स अब मैं फंक्शन से बाहर आ गई ठीक है एंड देन आई एम प्रिंटिंग नम एंड एल एस टी तो यहाँ पर देखो नम की जो वैल्यू थी वो फाइव मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो ही प्रिंट हो गई है लेकिन लिस्ट की वैल्यू जो मैंने फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर दी थी वो मेरी चेंज हो गई है राइट right? मतलब अब ये वन टू थ्री मेरा नहीं है लिस्ट में अब मेरी लिस्ट में क्या है टू फोर सिक्स तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरी इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट है उसको अगर मैंने फंक्शन में पास किया फंक्शन के अंदर उसको मॉडिफाई किया और फिर फंक्शन कॉल के बाद मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ तो जो मेरी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी उसमें तो चेंजेस हुए लेकिन मेरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अनफेक्टेड रही इन केस ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप राइट लेकिन इन केस ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप जैसे कि मेरी एल जो है वो लिस्ट है म्यूटेबल है तो सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप के केस में क्या हुआ कि मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं मेरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी राइट right? मतलब uh, एक बार फिर से बता देती हूँ इन केस ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप the changes made in formal argument are not reflected in actual argument, right? Lakin in case of mutable data types if any changes are made with the formal data type inside function definition they are reflected outside function definition also. In case of immutable they are not reflected outside function definition but in case of mutable they are reflected outside function definition. अब ऐसा क्यों हुआ इस चीज़ को भी एक बार समझ लेते हैं तो म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स का केस देख लेते हैं अभी ये मेरा सेम प्रोग्राम हो गया अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने किया नम इज़ इक्वल टू फाइव मेरा एक मेमोरी ब्लॉक लेट्स एट सम्रेस एट हंड्रेड वो क्रिएट हुआ और नम जो है वो मेरा रेफर कर रहा है टू दिस मेमोरी ब्लॉक वेयर फाइव इज़ स्टोर्ड राइट जब मैंने फंक्शन कॉल किया विद नम तो जो मेरी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी वो भी किसको रेफर करने लग गई सेम मेमोरी ब्लॉक को ठीक है लेकिन क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो जैसे ही मैंने इसको मॉडिफाई किया मॉडिफाई किया आई इज इक्वल टू आई प्लस फाइव किया तो ये मॉडिफिकेशन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंटीजर्स आर इम्यूटेबल है ना तो क्या हुआ मेरा एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया एंड नाउ माय ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज़ रेफरिंग टू द न्यूली क्रिएटेड मेमरी ब्लॉक लेट से वो थाउजेंड एड्रेस पर कोई क्रिएट हो गया और वहाँ पर मेरा टेन सेव हो गया ठीक है अब जब मैं विद इन फंक्शन डेफिनेशन आई को एक्सेस कर रही हूँ तो मेरा क्या प्रिंट हो रहा है मॉडिफाइड वैल्यू ठीक है लेकिन जैसे ही मैं फंक्शन डेफिनेशन के बाहर आ जा रही हूँ अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ तो आई मेरा यहाँ से वैल्यू ले रहा है लेकिन जब फंक्शन के बाहर आके मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो ये वैल्यू ले रहा है ओरिजिनल मेमोरी ब्लॉक से जिसको नम पॉइंट कर रहा था ठीक है और वहाँ पे वैल्यू मेरी अभी भी फाइव ही है दैट्स वाई द चेंजेस मेड इन साइड फंक्शन डेफिनेशन आर नॉट रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ओके एंड आई गॉट दिस रिजल्ट ये यहाँ पर फाइव है विद इन फंक्शन डेफिनेशन ये टेन हो गया और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फिर मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस करूँगी तो ये टेन ही आएगा लेकिन जैसे ही मैं फंक्शन डेफिनेशन से बाहर आई तो वो वापस से फाइव ही रहा ओके okay, अब हम देख लेते हैं म्यूटेबल uh, आर्ग्यूमेंट्स को तो मैंने लिस्ट क्रिएट की ठीक है मेमरी ब्लॉक सिक्स हंड्रेड पे लेट से मेरी वो लिस्ट जाके सेव हो गई वन टू थ्री अब जब मैंने उसको फंक्शन uh, में पास किया तो जो मेरी uh, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है वो भी उसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगी एंड बिकॉज दिस डेटा एलिमेंट इज म्यूटेबल इट कैन बी मॉडिफाइड तो जब मैंने इसको मॉडिफाई किया तो यही मेरा बन गया 246 अब देखो इसके लिए कोई अलग मेमोरी ब्लॉक नहीं क्रिएट हुआ यहीं पर चेंजेस हो गए ये 123 से 246 बन गया अब जब मैं इसको इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन प्रिंट कर रही हूँ तो वो यही वैल्यूज उठा रहा है तो टू फोर सिक्स मेरा प्रिंट हो रहा है और जब मैं आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन इसको प्रिंट कर रही हूँ तो भी वो वैल्यूज़ यहीं से ही उठा के प्रिंट कर रहा है एंड दैट्स वाई जो भी चेंजेस मैंने इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन किए वो आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग दिस आउटपुट before function definition it is 1 2 3 when function definition got executed it become uh, it became 2 4 6 and then after uh, the function definition was over and i tried to print the list uh, again to bhi mera 2 4 6 hi print hua hai okay so uh, this is all about uh, how i can pass different data elements to a function and how the mutability and immutability concept affect the changes made to the values inside and outside the function definitions. Okay. Thank you so much. Keep watching the channel. Comment kar diya karo. I get the feedback. And in case of any doubt, you can email me. Thank you so much.